अपनी जो लिपि है अपनी जो भाषा है उसका संरक्षण कर सकता है, उसको तो किसी भी राज्य में जाने पर उसका कोई भी किसी भी प्रकार से वो नहीं किया जा सकता, वो अपने रीति रिवाजों को मान सकता है। जैसे इसमें बात कही है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक, राज्य के प्रत्येक नागरिक अनुच्छेद 29 के खंड वन में बात की गई है कि राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने तथा संरक्षित रखने का मौलिक अधिकार है। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपनी भाषा लिपि संस्कृति आदि को बनाए रखने का मौलिक अधिकार है, यानी उसको कोई भी इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। वो किसी भी राज्य या किसी भी जगह चला जाए वो अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ सकता, वो अपनी संस्कृति अपने लिपि अपनी भाषा को बनाए रख सकता है, इस पर राज्य द्वारा कोई भी आपत्ति जारी नहीं की। ठीक है, अनुच्छेद 2 के अंदर अब बात करते हैं अनुच्छेद 29 के खंड 2 के अंदर। जैसे अनुच्छेद, हाँ ये भी याद रखना, अनुच्छेद 29(1) को और 29(2) ये भी दोनों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, ये दोनों इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, इन दोनों अनुच्छेदों को आपको याद रखना है। यानी 29(1) इसमें बात कही है भाषा लिपि संस्कृति को बनाए रखने, भाषा लिपि अपनी भाषा लिपि व संस्कृति को बनाए रखने एवं संरक्षण का मौलिक अधिकार। संरक्षण का मौलिक अधिकार है यानी उसको संरक्षण का अधिकार है, अपनी भाषा अपनी संस्कृति अपनी लिपि का वो संरक्षण कर सकता है। इसके अंतर्गत 29(1) के ठीक है 29(2) में बात करें तो किसी भी राज्य द्वारा पोषित, ठीक है यानी किसी भी राज्य द्वारा या किसी भी राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी संस्थान के अंतर्गत, किसी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संस्थान है, सभी संस्थानों के अंतर्गत जो प्रवेश है यानी संस्थान के अंतर्गत प्रवेश के लिए बात करें चाहे रंग जाति धर्म ठीक है आर्थिक स्थिति आदि सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, उसके अंतर्गत सभी को समान रूप से प्रवेश मिलेगा। यानी वो प्रवेश से वंचित कोई भी किसी भी प्रकार का विद्यालय या संस्थान कोई भी किसी भी प्रकार से बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं कर सकता है। यानी इसके बाद कहें कि राज्य निधि द्वारा लिख लीजिए इसके अंतर्गत किसी राज्य द्वारा या किसी राज्य की राजनिधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म जाति लिंग निवास स्थान के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी 29(2) के अब बात करते हैं अनुच्छेद 351, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत बताया गया कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, यानी राष्ट्रीय एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए इसमें हिंदी भाषा के बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा के प्रचार भाषा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया, प्रसार पर बल दिया, यानी इसमें हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के बारे में कहा गया कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, ये हो गए आपके अनुच्छेद 351 के अंतर्गत बात कही गई है। इसके अंतर्गत कहा गया कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए और बनाए रखने के लिए धीरे धीरे हिंदी भाषा का प्रयोग बढ़ाया जाए, कोई बात जो इस एकता को आधार पर पहुंचाएगी उसे अनुच्छेद 51 के विरुद्ध होगी, यानी इस प्रकार अगर इस हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के कोई भी बात विरुद्ध रोकता है, इसमें कोई रुकावट होता है, तो अनुच्छेद 351 के वो विरुद्ध मानी जाएगी। इसलिए इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार पर किया जाना चाहिए। ये हो गया आपके सभी अनुच्छेद, धन्यवाद। अगर इसमें कोई चीज आपको नहीं समझ में आए तो मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।